अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का 4.5 इयर्स कंप्लीट हुआ है एज अ सीएम, और अभी कुछ महीनों बाद ही अगले साल ही 2022 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शंस आने वाला है। और कहा जाता है कि जो यूपी जीतता है वो लोकसभा इलेक्शन यानी कि 2024 में आएगा वो 80% कहीं ना कहीं जीतता ही है। तो चलिए जानते हैं कि पिछले 4.5 साल में कितना बदला है उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश के रोड्स की बात करूँ तो वो बहुत ही बढ़िया रोड्स बन गए हैं। अराउंड 15,000 किलोमीटर ऑफ रोड बने हैं। साथ ही साथ मोटा मोटी इसी फिगर के अराउंड किलोमीटर के जो रोड्स हैं उसको वाइडेंड किया गया है, मॉडिफाई किया गया है। साथ ही साथ कई किलोमीटर ऑफ रोड्स को पॉट होल फ्री किया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, जैसे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक्सेट्रा, जो कि अपने अलग अलग स्टेजेस में है। कोई लैंड एक्विजिशन किसी का प्रोसेस चल रहा है तो कोई अपने बनने के फाइनल स्टेज में चल रहा है। और जब ये सारे एक्सप्रेसवे बन जाएंगे, अराउंड टोटल 5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो जब ये सारे एक्सप्रेसवे बन जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की जो सूरत है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में पहले सिर्फ 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे बिफोर 2017, बट आफ्टर 2017 उत्तर प्रदेश में और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन गए हैं, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में अब 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो गए हैं। अब अगर मैं मेट्रो की बात करूं तो मेट्रो का भी प्रोजेक्ट्स चल रहा है उत्तर प्रदेश जोरों शोरों से। कई शहर है जैसे कि लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर शहरों को और भी कई सारे शहर हैं, इन सब को मेट्रो के वाया कनेक्ट किया जा रहा है और ताकि लोगों को सुविधा मिले। जब उत्तर प्रदेश की बात आती है ना तो उसके लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम की भी बहुत चर्चा होती है कि वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है बहुत खराब है। अगर मैं बात करूँ आफ्टर 2017 तो वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है काफ़ी हद तक सुधरा है। जैसे कि अराउंड 1,43,000 पुलिसमैन उन लोगों को एम्प्लॉय किया गया है। साथ ही साथ ₹1,866 करोड़ एसेट्स, जो इल्लीगल एसेट्स है, जो गुंडे के जो एसेट्स होते हैं उन सब माफिया वगैरह उन सबको सीज किया गया, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। साथ ही साथ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट क्रिमिनल्स, साथ ही साथ 150 क्रिमिनल्स को एनकाउंटर कर दिया गया, और कई सारे इन एनकाउंटर में कई क्रिमिनल इंजर्ड भी हुए हैं। साथ ही में अगर 2016 से कंपैरिजन किया जाए तो डेकोल्टी के जो केसेस हैं 70.1% का रिडक्शन दिखा है, लूट के केसेस में 69.3%, मर्डर्स के केस में 29.1%, किडनैपिंग के केस में 35.3%, और भी ऐसे कई सारे केसेस हैं जहां पे आपको रिडक्शन दिखेगा। साथ ही में 240 न्यू पुलिस स्टेशन एस्टैब्लिश किया गया लोगों के सेफ्टी के लिए, फिर 44,759 लोगों को अरेस्ट किया गया अंडर द गैंगस्टर एक्ट, और 630 लोगों को अराउंड बुक किया गया अंडर NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब आप कहेंगे कि यार उत्तर प्रदेश में तो हतरस हुआ था, तो देखिए एक बार में ना उत्तर प्रदेश पूरे तरीके से क्राइम फ्री नहीं हो सकता, टाइम लेगा। ये जो बदलाव आ रहे हैं ना ये भी एक बहुत ही अच्छा बदलाव है, बहुत ही अच्छा संकेत है, तो हम लोगों को इसको भी कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात करूँ, हमेशा उत्तर प्रदेश को ये भी लोग सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट नहीं होता, आई मीन इंडस्ट्रीज नहीं आती है, बट अब इंडस्ट्रीज भी आ रही है। जैसे कि नोएडा में एक फिल्म सिटी बन रहा है जो ना जाने कितने लोगों को एम्प्लॉय किया जाएगा। एक बॉम्बे फिल्म सिटी है बॉम्बे में, अब साथ में उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी आ जाएगा तो सोचिए कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फिर साथ ही में MOUs वर्थ ₹4.68 लाख करोड़, आप फिगर पे ध्यान दीजिए कितना बड़ा फिगर, इतने MOUs साइन किए गए हैं और 3 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो स्टार्ट भी हो गए हैं। साथ ही साथ जो फॉरेन से जो कंपनीज हैं वो भी आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे कई जो कंपनीज अभी देखिए पैंडेमिक चल ही रहा है तो कई सारे कंपनीज चाइना छोड़कर
उत्तर प्रदेश में भी आए हैं। अभी हाल ही का केस केरला की जो पेप्सी, केरला में जो पेप्सी की जो यूनिट है उन लोगों ने बंद किया, वहां पर उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हुए, एक बड़ा चेंज दिख रहा है। साथ ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम स्टार्ट किया है ताकि जो लोकल प्रोडक्ट्स है उसे प्रमोट करा जाए। और इसी के साथ साथ 152% राइज हुआ है एक्सपोर्ट्स में ड्यूरिंग द पैंडेमिक, यानी कि उत्तर प्रदेश बहुत बदल रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं। अब बात आती है कि वुमेन्स की सिक्योरिटी की। अगर मैं वुमेन्स के वेलफेयर एंड सिक्योरिटी वगैरह के मैं बात करूँ तो अराउंड 1.5 लाख वुमेन्स को गवर्नमेंट जॉब मिला है। और स्टेट वाइड साथ ही में मिशन शक्ति चल रहा है। मिशन शक्ति यानी कि वुमेन्स को सेल्फ रिलायंट बनाना ताकि कोई भी खराब सिचुएशन तो वो उसको डट के सामना कर सके, फेस कर सके, इसके लिए मिशन शक्ति चल रहा है। साथ ही में महिला हेल्प डेस्क एस्टैब्लिश किया गया है पुलिस स्टेशंस में। फिर जो प्रधानमंत्री जी के जो स्कीम्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, जैसे कि गैस के कनेक्शन जो है उज्ज्वला स्कीम के तहत लोगों को मिले हैं। आप अगर लोगों की बात करें तो देखिए गांव गांव तक पहुंचा है ये चीज़। साथ में कन्या सुमंगला योजना के तहत 10.1 लाख गर्ल्स को बेनिफिट मिला है स्कीम्स के स्कीम में। और भी बहुत सारी स्कीम है जिसके तहत वुमेन्स को बेनिफिट मिला है। साथ ही में फ्री बस ट्रैवल ड्यूरिंग रक्षाबंधन। तो देखिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश बहुत बदला है। और ये सब तो देखिए मैंने बहुत ही कुछ चीज़ें बताई हैं, इसमें और भी बहुत सारे जैसे कि हेल्थ है, इसके बाद आपका जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोविड-19 और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उत्तर प्रदेश ने डेवलपमेंट किया, जिसके बारे में अपनी अगली वीडियो यानी कि इसका पार्ट टू उसमें बात करूँगा। तो आप मेरे चैनल के संग बने रहिए जब मैं इसका पार्ट टू बहुत जल्द लाऊंगा। और आप तब तक अपनी राय इस कमेंट सेक्शन में दीजिए इस डेवलपमेंट्स के बारे में जो उत्तर प्रदेश में हुआ है। मेरे वीडियो को लाइक करिए, लोगों तक पहुंचाइए, बताइए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश बदला है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक के लिए मैं श्रेय साबू साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।